हाल के दूध मलाई और जब रांझे धोर गई देखा दरवाजा बंद डारेगा बाहर से आवाज दी कर फटे खोल दे जिस मुंह से रोजाना बड़े प्यार से नो आवाज आ करती आई हीरे क्या हाल है उसी मुंह से आवाज आई का डाण तू आ गई जब इतनी बात कही रांझे ने एकदम उस हीरे का आख्या में पानी आ गया और सहमगी का कारण क्या होया बार से आवाज लगाती है लेकिन रांझा नहीं बोलिया जब घनी आवाज दी तो छो में उठकर रांझा किवाड़ का धोरा जाता लेकिन किवाड़ नहीं खोली और आपस में दोनों के क्या सवाल जवाब होते हैं मला
साले करी तेरी पात मेरे पैसा तकना चारा भरने ने जब मासूक पास सारा खुडा रुपए है यो। और मैं तेरे से वादा करती हूँ एक हफ्ते बाद तेरे से जरूर मिल जाऊंगी। रे तो तेन कहा करती मैं कितने नहीं जाऊं तेन छोड़कर है। अरे तू चल पड़ी मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है तड़पना उनकी किस्मत में सुबह और शाम होता है। नुबले रे तेने तो नेवा कर दिया मेरे गेलिया। नुबले रांझे कुछ भी कह ले हाथ जुड़वा चाहे पाप पकड़वा एक हफ्ते बाद तेरे तो जरूर मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर देकर टाइम एक हफ्ते का वह हीरे वापिस आ जाती है। आके बताते खेड़ा से जो खनकाने की बरात आई हुई थी उसके साथ उस हीरे का निकाह पड़ा जाता है। और जब चलिया वो डोला हीरे का वहां से रांझे को पता लगया तो काले डर में रांझा पहुंच गया। हर जब डोला देखा तो आगे पड़ जाता है। एक बात के दफारा वो रांझा रोके हीरे को के कहने लगा बोला हीरे हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा पता क्या है मेरे को बताइए जरा हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा पता क्या है
पसंद है छोड़ के फकीरी जो ऐसी आनंद है जिन मन का जिन मन का जिन मन का संबंध है ये है मेरी तो बताइए जरा अरे लुक लुक के दुनिया दो ऐसे रोंदे महाराज आप तो कृष्ण 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 रोजाना रटिया करते आज कड़ा गात्रा कृष्ण मेरा मिसरानी किसके बारे में जिक्र करी से कतरे कृष्ण के बारे में जिक्र करी से तू हरदम माला रटिया करता उसकी आज कड़ा गात्रा कृष्ण हो जरा मिसरानी से बोल तू कब तक आने लगी काज ते आज तीन दिन हो गए बालकों के लिए पोषण वस्त्र का प्रोग्राम कीजिए घर में बालक भूखे बैठे पेट में कोई दाना नहीं तरफ में कोई वस्त्र नहीं और कृष्ण कृष्ण तेरा कृष्ण भगवान कुछ करके दिखा मैं तो असली बात कहना क्या चाहती है उस दौरा चला जा कुछ मांग लिया जी मांगन का नाम लिया तो ब्राह्मण था आखिर में अहंकार तो ब्राह्मण में होता है लहरा मैं सरानी एक बार तो तेने कह दी दोबारा मैं तेरा कह दिए जब इतनी बात सुनी उस अति सुशीला ब्राह्मणी ने तो छो मागे एक बात के द्वारा गुस्से में उस सुदामा को के कहने लगी बता Yeah!
छुरी कवि ने एक के रागनी में किस्सा पूरा तार दिया, दूसरी कड़ी में जब मिसरानी की बात सुनी तो सुदामा आहिस्ता आहिस्ता डंग टेकन लग्या। कड़े माड़ा सा मन करके इज्जत कानी ख्याल करे टुक नु मंदा मंदा सर के और भूखा प्यासा मरे बेचारा जगह लई पड़ मरे के हरी कृष्ण जी ने बुझन लग्या द्वार काम खेले के अनूठी हो से जोपण में सरे न लख रखी कदे ना झूठी हो से समझिए मानस के लेके जीवन बुटी हो से समय समय पे काम करो फिर सब की छूटी हो से समय समय पे काम करो।
सुदामा हम बचपन के, ये दोनों गुरु भाई। ओ भगत सुदामा हम बचपन के, ये दोनों गुरु भाई। हेरा कितने दिन मैं पेटिया से तू बैरी अन्याई। ओ भगत सुदामा हम बचपन के, दोनों गुरु भाई। चीज मांगी लेते झट प्यारा दे दे।
20 कैसेट कंपनी क्या देते हैं ए जी 200 रुपये कर दिया 501 रुपए का दान नगर में नगर सेठ को बुलवा लिया और कहा कि लाला जी सोच ले विचार ले फायदा से नुकसान तेरा ना तो 10 गुंडा ना बुलवा के लदवा दूं सामान तेरा बनिया था दो तीन पेशाब कर दिया इतनी बात सुनते नुकन लगा के महारानी के बात नुबली के सोच ले विचार ले फायदा से नुकसान तेरा ना तो 10 गुंडा ना बुलवा के लदवा दूं सामान तेरा बात तो बता के बात हुई कि शाम को जब राजा भर्तरी आवे आपने एक बात कहनी है क्या का जो तेरा विक्रमा है वो मेरी पुत्र वधु से गलत संबंध रखता है। एकदम लाला जी का पसीना आ गया और भगवान का नहीं ऊपर नमो कर लिया का देख भाई साहब थोड़ा मालूम नमो करके कर अच्छा अच्छा देख नमो कर ले भाई कर रहा हूं की बुढ़िया ने डाकी की मूछ देख लो तुम हेलो भाई साहब डाकी की मूछ ले लो खगड़ गद्दा ठहरा से अरे लग तेरी देर जा भी किला तो दुश्मन सराई करनिया है भगवान का निमू करके हरनू कर लगे हे परमात्मा इस संसार में इस जीव का कोई जीना नहीं नु बोली का लाला जी के जीव का जिक्रा कर ऐसे के तो या गवाही दे दिया झूठी नहीं तेरा जन बच्चा को लूं पिड़वा दूंगी नुमला ठीक है महारानी जिसा आपकी आज्ञा हो वो एक काम करूंगा लेकिन एक मेरी बात सुन ली के लिया रे सेठ ने लिया रे सेठ ने लिया रे सेठ ने सोच तेरे शर दोष धरावेगी दोष धरावेगी कर्म साते भोले ने बिन खोट
का तो दादा बोलो ऊपर बैठा, ईश्वर का थुराने ब्याह रखा था, थुराने जिंद का नहीं, अपनी बहू ने खातर चलिया गया और साथ में ब्याह लगे गेला जरूर जाया करे, वो साथ में ले लिया। मिला चाल भाई ससुराल चल लेंगे, मिला चाल भाई ससुराल में पहुंच गए, अच्छी रोटी पानी खवाई, उनकी खाट आंगन में गाल दी, ईसा सूद बैठा रात ने मी का डोलसा हो गया, वो डोला पाछे जो थलवा जा रहा था उसने तो अपनी खाट ठाके और परिंडे में गाल दी, और जो ब्याला था उसने सोचा का कोई ना कोई सा साला आ जाएगा, खड़ा हो गया खाट तन उन्हें, इतने में उसका ससुरा गया, उन्होंने कौन से जी थुरानिया बटे उसे अपने छोरा तक लगा, इसकी खाट गाल दो भाई भीतर ने बटे की खाट गाल दी भीतर ने। अगले दिन वह बहू को गाली दोनों आ गए अपना हम लेकर ने, सांझ होगी वो यार सूद बैठे कब्या लेके भी, वो एक बरामदा था और आंगन सा था, गर्मी का महीना था तो नूड़े सो गए अपने गांव में आके, रात ने सब सूद सा बैठा, वो मौसम हो गया और वो जो मी बूंद सी आई वो जो ठलवा था उन्हें अपनी खाट भीतर न गाली, अड्डा की का दिमाग में सुसाड़ में सुचा तू खड़ा हो गया एकदम अनु खाट छोड़ के, उसका बाबू आमला कौन खड़ा होगा थोड़ानिया बटे खड़ा से तो सारा मारवा लठ भीतर न खाट गाली। Thank you.
देली पपेडा देली पपेडा शर समकाया हरिया करावेगी या हरिया करावेगी तेरे विक्रम जाते भोले ने बिन खोट मरावेगी प्यारी से श्री मांगे राम के पेश लजड़ा बीरा की सरदारी से और तेरी पपेडा शरसम का या हरिया करावेगी और उस विक्रम साधे भोले ने भी खोट मरावेगी। जब इतनी बात उस नगर सेठ ने रानी पिंगला को कही और उसको बहुत समझाया लेकिन वह तो अधर्म पर चल पड़ी थी। नुबली का लाला जी तेरे बात समझ नहीं आई, बांदी को बुलाया। नुबली का जा साइड देनी सी और दो जल्लाद पकड़ लिया। ई बानी ने तो थोड़ी सी बात सही है करे गाना डर गया बानिया और हाथ जोड़ कर नुकन लगा के महारानी जो कुछ कहोगी मैं राजा भर्तृहरि का पक्का कह दूंगा। इब तो महारानी जो आप कहोगे वो मैंने ऑर्डर मंजूर है। इब तो रानी पिंगला ने बांदी का हाथ राजा भर्तृहरि को बुलवा लिया और जब राजा भर्तृहरि आए और रानी पिंगला का चेहरा देखा तो बताते हैं रानी पिंगला इतनी खूबसूरत थी जैसे कि हूर की परी। और रानी पिंगला के उस खूबसूरती पे ओ भर्तृहरि बहुत ज्यादा मदरा पिया करते थे। जब उदासी सी देखी रे एकदम चेहरा नीचन होया राजा भर्तृहरि का करानी पिंगला क्या बात। इब लाला जी नुकन लगा कि महाराज बात मैं बताऊंगा कि आपके राज में अनर्थ हो रहा है। किस बात का भाई? का जो आपका विक्रमा है वो मेरी पुत्र और दूसरे गलत संबंध रखता है। एकदम राजा भर्तृहरि के कान खड़े हुए और दो जल्ला तो ऑर्डर दे दिया कभी ले जाकर उस विक्रम ने और जंगल में कत्ल कर दो। और एकदम जब विक्रम ताई वह खबर पहुंची तो जल्लादा ताई नूकन लगा भाई पर मेरे भाई से जरूर मिलूंगा। इब तो विक्रमा और दो जल्लाद उसको पकड़ने कहां आ जाते हैं जहां पर नगर सेठ भर्तृहरि और रानी पिंगला थी। नुमलारा भाई मैंने के कसूर कर दिया लरा उदिन तेरे याद को ना के तेरा उदिन याद से नुमलारा कौन सा लर मेरे मात पिता बालक के मर गए उन्हें उल्टाना कोना श्री मांगे राम का घर जाना होगा ही और ठिकाना कोना लोगों सब का बस का गाना कोना मर गया देश ताड़ के और तू के पुचकारा मना भर्तृहरि लाग आग लाड के लर तू पुचकारा करता तन ऑर्डर किस चीज का दे दिया। मेरा तंत्री भाभी तो गलत कहा है मेरा मैंने कह दिया कहा कह दिया मेरा तो भाई मेरी एक बात सुन ली सदनो नूने तो भर्तृहरि नूने रानी पिंगला और बीच में विक्रम और साइड में नगर सेठ हर एक बात के दोबारा विक्रम रोक है अपने बड़े भाई भर्तृहरि को के कहने लगा बोला के कहने से ओ पिंगला भाई के कहने से भाई मने मरते मरवा Yeah!
Thank you.
खेत इंसान की Thank you.
के पेटे के नीचे सोया हुआ था, आके उसको धमकाती मारती है तो जैनी चोर एकदम हड़प के उठ्या और आपस में के सवाल जवाब होने लगे। बोला बड़ा बग में ईसाऊत कड़े ते आया तोड़ बड़ा बागा में साउथ कड़े ते आया, तेरा ताला भी तोड़ लिया। हाँ और उत भी बता दिया। हाँ, कती अरे बागा में बढ़ गया, कती बढ़ गया, कती भी थोड़ी बहुत कमी नहीं छोड़ी। हाँ कती नहीं छोड़ी, अटकन उन्होंने मुकर का जवाब दे। मेरे ताला तोड़े बड़ा बागा में ईसा उत कड़े ते आया, वो कोई मुसाफिरी सो जा मलने देख कसीनी धाया।
धरती के घाट या चार दीवारी खिंचवा रखी है? चार दीवारी बाग के लिए खिंचवाई है। मानन तेरे एक बात बताऊं के जो बाहर से परदेसी आ जाता है हाँ? उसको उन्हें धमकाया करें। आपने पता नहीं ये बाग जनाना है? जनाना से कती झूठ बोलो तू सफेद ना कती झूठ नहीं कदे बाग जनाना हो अगर बगीची जनानी हो जिसमें पेटे तीन हूँ तेरी मलन तेरे बाग के मन पड़ गए मर्द गिनाने और आए गए की ठेरन खातर हो से थोड़ी ठिकाने। प्रथम है दरवाजा तेरा जिस पर लगा सैन बोट कोड़ी ऊपर मोर बैठा लेके न करवे की ओट बाग बीच में फिरती देखी ती तरह की कई जोट सुंडी और नेवले तेरे बाग के मां पड़े रहे फल फूल पत्ते मलन तेरे बाग के मां धड़े रहे सम कोर कोंदरा तेरे बाग के मां खड़े रहे एरी मकड़े और ततये न भला कह देखो जनाने री मलन पड़ गए मर्द गिनाने। अब तू जनाना बताओ है सुन मेरी बात ध्यान से सुन ये दिखा येरे इस धरती की येरे इस धरती की खातर खिंचवा राखी चार दवारी येरी बाग बगीचे धर्मशाला मेरी ठहरे लोग व्यवहारी येरे बाग जनाना बेगम का भले घरा का बेटा री मलने नाठगे छोरी जवारी री भले घरा का बेटा मलने नाठगे छोरी जवारी तू आपे भला बना हंगरे आपे भला बना हंगरा और ना पाया मैं कहे खाम खा छोर बता मलन तेरा के ठाया डेडी बदमाश तेरे
मंगानी है तो बताते हैं उस चंद्रगुप्त की जो भाभी थी उन्हें मजाक कर दिया कभी और दादे का कभी बिल्कुल ले दूंगा तनु बोली का सच्चे मोतिया का जोड़ा हमारे लिए आपने अवश्य लेना है। हमने भाभी ठीक से लिया हूंगा। चंद्रगुप्त ने यह नहीं पता था कि यह चीज बाजार में नहीं मिलती, वहां से चल पड़ता है और उस धर्म मालकी के साथ शादी करके वे चीज काबू कर ली और लेकर धर्म मालकी को और टापू के अंदर आ जाता है और उस धर्म मालकी को वहीं पर छोड़ देता है। एक बनियों का झांसा रहा था, उस धर्म मालकी ने सोचा कि तेरा पति तो तेरे को छोड़कर चला गया और न जाने कोई तेरी इज्जत पर हाथ नहीं गिर दे, क्यों ना तो अपना भेष बदल दे। वह धर्ममाल की एक साधु के भेष में हो जाती है और जब बणियों का पास से जहाज जा रहा था, एक बणिये ने देख लिया धर्ममाल की को। उसको ये नहीं पता था कि ये बीरबानी है, वो तो बाबा सोच रहा। और जहाज में खड़ा होकर एक रुके के दोबारा धर्ममाल की का निहात करके के कहने लगा, बोला ओ किसी मोटी मोटी आंख कटली, ओ किसा चोर चट्टा के और टापू के महे चला बाबा जी सके
एक दिन उकरण लगा महाराज मेरा जो कब सफल होगा नुबरा भी मेरे मुंह से सच्ची बाणी होगी इतना पाटम देता मां कहके भिक्षा लानी होगी। गुरु की आज्ञा तोड़ा तो मर गया और जब पट्टम देन अपनी ब्याही नमा कव तो मर गया। लेकिन सदरों बताते गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी चीज होती है। था का हाथ में झोड़ी और गोपी चंद जाकर पट्टम देकर महल तले अलख जगा दी। पट्टम देने सोचा हो न हो तेरा पति गोपी चंद खड़ा हो पर जे मग तला लखाई तो गोपी चंद खड़ा भगमा बाणी में नुबरी के ऊपर ना जाओ ने मेरा माई भिक्षा गा लिए आज से कोई मर दिशा जो अपनी ब्याई ना मां कह दे कोई नहीं सा होना। बार जे मैं तड़ा उतरी आई सोने के थाल में भोजन लेके कोई सुलपा पी के तो बेसक दे और दारू पी गएगा तो ऐसा आसान ना दारू पीऊगा सवेर नू का अपनी बहू दोरो सुत्या पड़ोगा सवेर नू का मौत मत तेरे दोरो सुत्या था। हाँ तो आपस में ये सवाल जवाब होना के बता
मेरी मदम भरी जवानी हो ये रब्बू रखने दुख होया करे परे आशिक काट ज्ञानी वो मद जबन की जाल दादनी दार समझ लपनी हो सूर्य का भी अर्थ रोक दे हो ऐसी पीर बानी हो ऐसी पीर बानी ओ बिना पति के दांत होवे बिन हो पति के दांत होए बिन पत्ते कौन दिखा दे तेरे थे ये सबर का मुक्का मार लिए तू कति करनी छाती करके तड़े खड़ा समझ में आ रही वो सोला रानी मौज बिठा दी और कन्या ग्रह कवारी वो ऐसा तू कके लाग बताई काम करे हर बारी रे वो पहलम ते दड़े तू ब्याही थी हो जाना होगा। जब गुरु गोरखनाथ ने इतनी बात कही तब गोपी चंद की आंखें में पानी आ गया। नरे तू तो पट्टन देता मां कह के भिक्षा लिया या हरवा तो तेरे के बाण से के सोचेगी उसके दिल पर के होगा।
लेकिन गुरु की आज्ञा तोड़े तो गोपी चंद मर गया। ठाके झोली और आहिस्ता आहिस्ता उस भान चंद्रावल के द्वार पर पहुंच गया, जाके अलख जगा दी। चंद्रावल कहने लगी बांदी ने देखा कौन महात्मा रहा से, जाके बांदी ने देखा गोपी चंद खड़ा भगवा बाणी में, पैरों में खड़ा हो तन पर भगवा बाणा, हाथ में करमंडल और कानून मुद्रा और कंध झोली टांग रखी। जाके नुबली के गोपी चंद आ रहा से, नुबली बुला ला ने भी तेरे का बुला किस तरह तो भगवा बाणी में से। इतनी बात सुनी चंद्रावल ने भाजकाई और देखते ही गोपी चंद का वो ब्योत रोवन लगी। नुबली रे भाई तू तो मेरे के भाई था और तने जोग ले लिया, और जिस बाण का भाई नहीं होता उसके दिल पर के गुजरे, हर के कण लगी भला। नुबली रे तुम मांगे मांग के न पेट भरो हो, थारा ठीक है गुजारा ओ से, हेरे के बेरा तन रे भान भाई कितना के प्यारा ओ से, ए मांग मांग तन पेट भरो थारा ठीक है गुजारा। I'm not afraid of the dark.
बिन भैया की रे बाणा की रे वोट सगाई को ननु बोली रे दान दिए की सास ससुर के मान बढ़ाई को ना उड़े अगर पड़ो सन कहे थी ओ जनू उतर लुगाई को ननु बोली रे दान दिया ते कि के हो गया इस बहु के भाई को ना परदेश डिगर जाता है और उसकी भाई की चिट्ठी आवे तो वह बहन मेला चिट्ठी तो पढ़ के अगर पड़ोसान इकट्ठी कर लेगी कदे उसका घर न जागी कदे उसके घर न जागी अरे मैं किसका घर न जाऊं मनु का कहूं कर गोपी तना जोग ले लिया मेरे तने तो बहुत बड़ी गलती कर दी और के कहने लगी भला अरे भाई बनाना दिखे भाई बनाना सारे जगत में अरे और चीज बिन सर जनु बोली रे वो घरे घरे कती नू फेरा करे जब भाई परदेश दे घर जा फिर ये छोड़े दिन में उकी चिट्ठी आवे वो पढ़ के प्रेता जनु बोली रे वो हैरान कवाया करे जी कमा का जाया मरे जाए सोचा बाड़ा के नादान है आज इसको शहर याद आ गया इसका गांव याद आ गया क्यों ना तो इसको आज फाग खिला दे भाई जम्मल बैठा था कमरे में फागण खेला लोग लुगाई और टप टप आंसू पड़े नैनते लग तहचे तो दुल्हन ले आई भीतर गया लुकन लगा अपनी घराली तय वाले ये गोड़ारम की बोतल और तोड़ कर डांट दो पैग बना दिए जम्मल को ये नहीं पता था दारू क्यों बाड़क था पी तो गया पर डाकी जब पा फिरने लगे उसके मामा ने सोची हाँ मूड में से लाल रंग की पिचकारी भर के और जम्मल को दे दी नुला भाणजे नुला हाँ मामा बोल के बात है नुला फाग खेले वो जम्मल अपनी भाभियों के साथ वह लाल रंग की पिचकारी लेकर फाग खेलता है किस तरिया बोला उस जम्मल ने हेरा ठाली पिचकारी हेर लटे डान जाया कवर कलारी और पांच सात छोर यहां के मारी फेरे मैला
ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਰੇ ਸੋਖ ਖਨੂ ਸ਼ਾਮੀ ਹੇਰੇ ਦੋ ਬੈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਬਰ ਛੜ ਗਾ
है नन्ना कन को बने खिलार I'm not afraid to die.
गया डोलन ठीक कर खेल खिलाना कृष्ण बड़का टोपनिया में चला मैं